डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वंदे मातरम टू ऑल ऑफ यू। आज बहुत दिनों बाद हम आपसे रूबरू हो रहे हैं और शायद आप भूल गए होंगे, फिर भी हम आपके सामने प्रस्तुत हो चुके हैं पढ़ाने के लिए। तो आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी विद हरन में स्वागत है। और लास्ट यदि वीडियो देखते रहे होंगे तो हम आपको पढ़ा रहे थे वॉइस, और उस वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की वॉइस बता रहे थे और उनमें से बहुत कुछ बता डाले थे। एक एक्सेप्शन था आपके बारे में, जो जहाँ जिसको मैं लेके यहाँ पे आई हुई हूँ उसको बताऊँगी। तो एक्सेप्शन ये था कि WH वर्ड्स की वॉइस पैसिव कैसे बनाई जाती है, उसका रोल्स हमने, उनका कॉन्सेप्ट हमने बता दिया था। आज जो बताना है वो हु, एक हमारा WH वर्ड्स होता हु, बाय, हु, होम और विच, इनका यदि पैसिव आता है, यदि इनका पैसिव में परिवर्तन आए तो वो हम कैसे बताएंगे, तो वो आपको देखना है आज। तो देखेंगे आप द पैसिव वॉइस ऑफ हु। सबसे पहले हम आपको बताते हैं रूल हु का। तो जो हु का रूल है, यदि आपके सेंटेंस में हु आया है और उसका हमें पैसिव में परिवर्तन करना है तो वो कैसे करेंगे, तो सबसे सरल सा तरीका होता है वाई होम लगा करके। बट हम आपको दो रूल इसके बताएंगे, दो कॉन्सेप्ट बताएंगे कि इसको चेंज करने के दो रूल हैं, वो इस प्रकार से आप देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें, देखिए आपके सामने दो स्ट्रक्चर बना दिए हैं हु के पर्पस से। यदि आपके सेंटेंस में हु आए तो हु को हटा करके क्या लगाना है, या तो फिर हु रहे तो फिर हम उसका ट्रांसलेशन, उसका पैसे में परिवर्तन कैसे करेंगे। तो पहला रूल देखेंगे आप, सबसे पहले पैसिव के लिए है तो बाय होम, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस, इनके ही अकॉर्डिंग हम लगाएंगे इसमें होम, बाय होम, फिर एक्सिलरी वर्ब्स लगाएंगे, फिर एक्सिलरी वर्ब का यूज करने के बाद जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो लगाएंगे और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। आपको जनरली बहुत ऐसे मिलता है हु स्टोलन माई पेन, हु स्टोलन माई पेन, तो उसको बाई होम करके बनाते हैं। तो वही चीज़ देखेंगे आप कि सबसे पहले इसको हम एक सेंटेंस हमने लिया, हु टॉट यू इंग्लिश, हु टॉट यू इंग्लिश, ये हमारा एक्टिव है, ये हमारा एक्टिव है। अब इसे हमें पैसिव बनाना है, तो पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करना है कि हु के स्थान पर हमने लगाया बाई होम, बाय होम लगाया, और जैसा हमारा टेंस होगा, यदि हमारा टेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है तो उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग ही हम एक्सिलरी वर्ब लगाएंगे। यदि हमारा पास्ट इंडिफिनिट का है तो उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे ये हमारा जो टेंस दिया हुआ है, ये हमारा एक्टिव जो दिया है, यह पास्ट इंडिफिनिट टेंस के रूप में दिया है, इसलिए हमने बाय होम वर यू टॉट इंग्लिश, ये इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चला, ऐसे हमने बनाया। हम बता रहे हैं आपको इसको दो तरह से बनाया जाता है, इसको दो तरह से बनाते हैं। तो पहला तो समझ में आ गया हु टॉट यू इंग्लिश, हु टॉट यू इंग्लिश, तो हमने हु को क्या बना दिया, बाय होम बनाया, और जो हमारा जैसा सब्जेक्ट होगा वो यू लगा, इसलिए यू के यू, यू से हमने वर बनाया है ना, तो यू बाय होम वर यू टॉट इंग्लिश, ठीक, ये किया इसके हिसाब से। अब हमारा जो दूसरा रूल कहता है, वो दूसरा रूल ये बताता है कि इसको हम दूसरी तरह से भी बना सकते हैं। तो दूसरी तरह बनाने के लिए हम देखते हैं, पहले स्ट्रक्चर देख लेंगे। तो स्ट्रक्चर में पहले हु लगा रहेगा, फिर एक्सिलरी वर्ब लगा रहेगा टेंस के अकॉर्डिंग, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा ही, और इसमें से लास्ट में बाय, बाय का यूज हम करेंगे। तो बाय के यूज के लिए इसी सेंटेंस में बनाते हु टॉट यू इंग्लिश, तो हु वर यू टॉट इंग्लिश बाय, इसको दूसरे हिसाब से भी बना सकते हैं, जैसे जनरली हम बनाते आए हैं सभी सेंटेंसेस के WH वर्ड्स के, तो उस हिसाब से भी बना सकते हैं कि हु वर यू टॉट इंग्लिश बाय। तो ये स्ट्रक्चर आप देखेंगे, ये स्ट्रक्चर देखेंगे, और ये दो स्ट्रक्चर इसलिए बनाया जा रहा है कि जब कभी कभी पैसिव आ जाता है, कभी पैसिव आ जाता है और पैसिव का हमें एक्टिव बनाना होता है,
जब पैसिव का एक्टिव बनाना होता है तो उसमें हमें थोड़ी सी डिफिकल्टीज फेस करना होता है। उस डिफिकल्टीज को, उसी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम आपको दोनों के दोनों रूल यहाँ बता दिए हैं। तो ये भी बहुत इजी है, ये भी बहुत इजी है, बस आपके समझने की फेर है। अब हो तो आपको समझ में आ गया। इसी प्रकार से बाय हुम भी लगा होता है, हुम भी लगा होता है और विच लगा होता है। तो उनका रूल कैसे होता है, अब हम आपको हुम और विच का रूल बता देते हैं। हाँ तो बच्चों देखिए, आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। इनका स्ट्रक्चर हमने बताया कि जैसा पहले बता रखी हूँ सेम टू सेम है, उसी प्रकार से कोई चेंजिंग नहीं है। सेंटेंस देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी हम यूज़ बता रहे हैं आपका पैसिव में, यदि आपके एक्टिव में हुम और विच आए, हुम और विच आए, तो उसका पैसिव में हम कैसे परिवर्तन करते हैं, क्या उसमें कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कौन सा ट्रिक अपनाएंगे, उस चीज़ को देखना है। तो एक सेंटेंस देखेंगे पहले, विच टीचर टॉच यू, ये आपके एक्टिव के रूप में दिया है। ये क्या है आपका एक्टिव, विच टीचर टॉच यू। जैसे हमने भी आपका हु का बताया कि उसके दो तरह से उसके पैसिव चेंज किए जाते हैं, इसी प्रकार से इसका भी किया जाता है। तो सबसे पहले तो हु यदि लगा होता है तो बाई होम लगाते हैं। इसी प्रकार से इसमें भी नंबर वन पे हम चलते हैं तो नंबर वन पे बाय विच का प्रयोग करेंगे। वाई विच फिर टीचर, वाई इस टीचर को लेंगे, वाई विच टीचर वर यू टॉट, सेम का सेम रूल है आपका, कोई भी चेंजिंग नहीं है। इस तरह से किया जाना है। यदि बाई विच लगा रहे हैं, बाई विच का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको सीधे से सीधे इसको जैसा पहला रूल बताया हुआ है हु वाला, उसी हिसाब से आपको परिवर्तित कर देना है। यदि हम थोड़ा सा इसमें चेंजिंग लाना चाहते हैं तो उसमें जो बाय होम में दूसरा रूल था उस रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो विच टीचर वर यू टॉट बाय, दूसरा रूल भी बताया था, तो यानी कि आपका विच टीचर वर यू टॉट बाय, यानी कि आपका जो हु का रूल चलना है, हु और हुम एक समान ही चल रहा है। हु और ये विच का रूल आपका एक ही समान चल रहा है। जैसा रूल आपने हु के साथ में लगाया, उसी प्रकार से हमने विच में भी अप्लाई किया है। कोई भी चेंजिंग नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को मन में बैठाना है। दूसरा देखेंगे हुम आता है, यदि किसी सेंटेंस के एक्टिव में हुम आया है और हुम को भी परिवर्तित करना है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का लगता है बट है नहीं, बहुत ईजी है। थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हुम डू यू लाइक मोस्ट, हुम डू यू लाइक मोस्ट, ये क्या है हमारा, ये एक्टिव में है, ये एक्टिव में है। इसको क्या बनाना है हमें, पैसिव। तो पैसिव के लिए अब जब हम पैसिव बनाएंगे तो इसको क्या करेंगे, हु इज लाइक्ड मोस्ट बाय यू, हु इज सबसे पहले पहचानेंगे किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जानते इज आर एम का यूज किया जाता है, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, और बाकी इनमें से लाइक मोस्ट में कुछ कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ ये जो हमने यहाँ से ये हमारा सब्जेक्ट है, इसको हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, तो बाई नए ऑब्जेक्ट के पहले तो बाई लगना ही है, इसलिए हु इज लाइक मोस्ट बाय यू, ये हुआ हमारा पैसिव। दूसरा लेख ले लेते हैं, एक और सेंटेंस ले लेते हैं, हुम हैव यू हेल्प्ड, हुम हैव यू हेल्प्ड। अब इसको भी टेंस में पहचान, टेंस के अकॉर्डिंग पहचान करेंगे, ये किस टेंस का है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जानते हैं हैव बीन हैज बीन लगता है, तो हु को हमने क्या किया, हु बनाया, हु हैज बीन हेल्प्ड बाय यू, सिंपल सा है, कोई भी चेंजिंग नहीं है, सिंपल सा है, यानी कि विशेष चेंजिंग इसमें नहीं है। चेंज यदि करना है थोड़ा सा भी तो आपको करना है, यदि बाय विच लगा दिया तो सिंपल सा चलना है, यदि विच टीचर करके लगाया तो सीधा सीधा सा फंड आ जाता है। तो आपको थोड़ी सी दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जो रूल हमने, जो हमने स्ट्रक्चर बताया है भी, उसको आप ज़रूर लिख लेंगे, पॉज करके लिख लेंगे, तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
तो इस तरह से आपके पैसिव वॉइस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, डब्ल्यू एच वर्ड्स का पैसिव खत्म होता है। आगे हम बताएंगे आपको इंपरेटिव सेंटेंस का, इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव बताएंगे जिसमें लेट का यूज किया जाना है, लेट का यूज करेंगे, और लेट साथ में लगा भी होता है तो, और अलग से लगाया भी जाता है। ये सारे के सारे रूल आप इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो आप हमारे वीडियो से बने रहिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो उसी का, इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव लेके आएंगे, तो देखते रहिएगा और पूरा का पूरा समझने का प्रयास करते रहिएगा। और जो भी हमारे आप वीडियो ना देखे होंगे, नए होंगे, तो आप हमारे वीडियो को, पुराने वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और इस वीडियो को देखने के लिए, इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।